बहू बहू क्या हुआ माँ जी? अरे प्रिया के घर पे जो जो सामान भेज रहा था सब पैक हो गया अच्छे से। और हाँ, अच्छे से गिफ्ट रैप करना। अरे इतने महंगे गिफ्टों का सत्यानाश मत कर देना कुछ भी पैक करके। और वैसे भी कोई काम तो सही ढंग से तो करती है नहीं। मम्मी जी देखिए, मैं वही कर रही थी। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं अच्छे से नहीं करती, तो आप खुद कर लो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो आप? हाँ हाँ, तू तो चाहती यही है कि सारा काम मैं कर लूँ और तू महारानी के जैसे बैठ के शासन जमाए। यहाँ कल दिवाली है लेकिन अभी तक घर में लाइटें तक नहीं लगी हैं। तो क्या आप सीरियस में मैं ही लगाऊँ? माँ जी बोलिए ना अपने बेटों को। अरे बेटे मेरे सुनते कहाँ हैं, तेरी ही तो सुनते हैं, तू ही बोल दे। माँ जी आज भी आपका झगड़ा करने का मन है क्या? त्यौहार मत खराब कीजिए, आप बताइए क्या काम है, नहीं तो मैं जाऊँ अपना काम कर। हाँ हाँ जा, मैं ही तो लड़ती हूँ, तेरे मुँह में तो जैसे जुबान ही नहीं है। प्रणाम आंटी जी, खुश रहो, आओ बैठो। प्रिया कहाँ है? अरे अंदर होगी कहीं, बुला रही हूँ। हैप्पी दिवाली आंटी जी। हैप्पी दिवाली बेटा, हैप्पी दिवाली। अरे भैया आप? हैप्पी दिवाली भैया। हैप्पी दिवाली प्रिया, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? घर में मम्मी पापा भाभी बच्चे सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं प्रिया। आंटी जी ये लीजिए मिठाई। बुरा मत मानना बेटा, ये जो तुम दुकान से लड्डू लेकर आए हो ना, उस दुकान के लड्डू हम लोग नहीं खाते। पर क्यों आंटी जी? अरे वो सस्ते देता है ना, क्या पता कैसे बनाता है, तभी तो इतने सस्ते देते। ले बहू रख दे ये डिब्बा। अरे काम वाली बाई को भी तो मिठाई देनी ही पड़ती है, उसके देने के ही काम आएगी। क्यों माँ जी, काम वाली बाई को क्यों दूंगी? मेरा भाई लेकर आया मिठाई, मैं खुद खाऊंगी, आपको नहीं खाना तो मत खाइएगा। ज्यादा जुबान चलने लग गई है क्या तेरी? एक तो भाई आया है इस सड़ा सा मिठाई का डिब्बा लेके, ऊपर से इतनी नखरे दिखा रही है। माफ कीजिएगा आंटी जी, मेरी वजह से आप मेरी बहन को मत डांटिए। आपको भी पता है कि हर बार मैं अच्छे से ही त्योहारी लाता था, लेकिन ये भी आप जानती हैं कि इस बार मुझे बिजनेस में कितना नुकसान में हुआ है, और इसीलिए मेरी हैसियत नहीं थी अभी कि मैं कुछ अच्छा ला पाऊँ। हाँ हाँ बेटा, अच्छे से पता है मुझे कि तुम्हारा बिजनेस नुकसान पे चल रहा है, कर्जो है तुम पे। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी बेटा कि अरे जब नहीं था तो मिठाई का डब्बा भी लाना था, क्यों फालतू में 100-200 रुपये खर्च किए, और वैसे भी ऐसी मिठाइयाँ तो हमारे घर कोई खाता भी नहीं। माफ़ कीजिएगा आंटी जी, मुझे लगा कि ये पसंद होगा आप लोगों को, इसीलिए ले आया। देखो बेटा ऐसा है ना कि बहन बेटियों के घर अगर त्यौहार पे जाओ तो कुछ ढंग का लेकर जाओ, नहीं तो जाओ ही मत। अरे हमारे घर में देखो, पूछो अपनी बहन से, हम भी बेटी के घर जाने की तैयारी कर रहे थे और क्या गिफ्ट नहीं लाया है, सबके लिए कपड़े, चार तरह की मिठाइयाँ और ऊपर से शगुन का सबको लिफाफा भी, और ऐसे दी जाती है। बस कीजिए मम्मी जी, मेरा भाई भी हर साल अच्छे से ही त्योहारी लाता था, हर साल आपको अच्छी साड़ी भी लाता था। इस बार मेरे भैया की नहीं है कंडीशन, तो आप उनका अपमान तो मत कीजिए। अरे आपको ये क्यों नहीं दिखाई देता कि एक तो मेरे भैया इतना बिजी होने के बाद भी समय निकालकर हमसे मिलने आया है, और आप ऊपर से मेरे भैया को ही सुना रही हैं। अरे मेरे लिए गिफ्ट से ज़्यादा मेरा भैया ज़रूरी है और मेरे भाई की खुशियाँ। अरे ये तो सब कहने की बातें हैं, लेकिन भाइयों को भी होना चाहिए ना। अरे बेट बहन के ससुराल जा रहे हैं, कुछ तो ढंग का ले जाएं। बस कीजिए माँ जी, बहुत हो गया, आप ही बता दीजिए आपके मायके से क्या आया है। अरे मेरे मायके से क्या आएगा, अरे तुम्हें तो पता है ना मेरे मायके में कितनी गरीबी चल रही है। अरे उन्हें तो अपने खर्चों की लागत लगी है, अब क्या करें बेचारे, कैसे लाकर दे मुझे गिफ्ट। वाह मम्मी जी, आपके मायके में नहीं है तो बेचारे हो गए, और अगर मेरा भाई एक साल नहीं लेकर आए तो आप मेरे भाई को 100 बातें सुना रही हो। आपके मायके से तो एक मिठाई का डिब्बा भी नहीं आया, कम से कम मेरा भाई मुझसे मिलने तो आया। अरे मिलना तो छोड़िए, एक फोन तक नहीं आया आपके मायके से कि हैप्पी दिवाली कोई बोल दे। अरे बहू तू भी ना कहाँ की बातें लेकर बैठ जाती है, जा अपने भाई के लिए चाय नाश्ता लेकर। हाँ हाँ अभी लाई। अरे नहीं नहीं प्रिया, मैं कुछ भी नहीं लूंगा, मैं चलूंगा, मुझे ज्यादा समय नहीं है बैठने। ऐसे कैसे भैया, आप आए हो चाय पी कर तो जाओ। नहीं बहना, फिर कभी आऊंगा आराम से, तो तेरे साथ चाय भी पीऊंगा और अच्छे से बातें भी। अच्छा चलता हूँ फिर, अपना ध्यान रखना। जी भैया चलता हूँ आंटी जी, नमस्ते। कुछ गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा, अगले त्योहार पे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी पसंद का आपको गिफ्ट दे सकूं। नहीं भैया इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आप अपना मन छोटा मत कीजिए। कोई बात नहीं बेटा, चल बाय। बाय भैया। मम्मी जी आज आपने जो भी किया ना बिल्कुल भी सही नहीं किया, मेरा भैया कितना अपमानित होकर यहाँ से गया है, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं आपके बेटी आपके परिवार वालों के लिए कितना कुछ करती हूँ, और मेरा भाई आया था तो आप उससे दो इज्जत के बोल भी नहीं बोल पाई। अरे मैंने कहाँ कुछ बोला, तू जा जरा अंदर और जल्दी से पैक कर, फिर मुझे मेरी बेटी के घर भी जाना है, जब देखो पंचायत करती रहती है। बहू का भाई जाता है और कुछ ही घंटों के बाद बेटी भी इस घर की आ जाती है, अब फिर देखिए क्या होता है। हैप्पी दिवाली मम्मी। अरे रितु बेटा तू यहाँ अचानक कैसे? अरे कुछ नहीं मम्मी, पास में ही आई थी कुछ सामान लेने और मिठाइयाँ लेनी, तो सोचा आप लोगों से भी मिलते चलूँ और दिवाली भी विश कर। अरे बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। नहीं मम्मी बैठूंगी नहीं, भाभी कहाँ है, बुलाओ तो जरा भाभी को, भाभी को भी विश कर दूँ। भाभी भाभी। अरे दीदी आप अचानक, हैप्पी दिवाली भाभी, हैप्पी दिवाली दीदी आपको भी, ये लीजिए भाभी मिठाई। थैंक यू दीदी, बट ये मिठाई तो कोई खाता ही नहीं है यहाँ पर।
क्यों मम्मी जी, सही कहा ना? क्या मतलब है भाभी आपका, ये मिठाई क्यों नहीं खाते है? क्योंकि ये मिठाई सस्ती बनती है ना, क्या पता कैसे बनाता होगा। मम्मी ये भाभी क्या बोल रही है, अरे हमारे घर में तो हमेशा से इसी दुकान से मिठाई आती है, मैं तो इसी को खाकर बड़ी हुई हूँ, हर त्योहार पे इसी दुकान से मिठाई आती है, फिर भाभी ऐसा क्यों बोल रही है? अरे कुछ नहीं बेटा, अरे तेरी भाभी तो जब देखो कुछ भी बड़बड़ाती रहती है, पागल हो गई है। और दीदी आप आई तो आई, खाली मिठाई का डिब्बा लेकर आ गई, अरे कम से कम साथ में एक गिफ्ट तो लाना चाहिए था। भाभी आपको हो क्या गया है, एक तो मैं अपने ससुराल से समय निकाल कर दिवाली जैसे मौके पर आप लोगों से मिलने आई हूँ, और आप बोलो कि गिफ्ट क्यों लेकर नहीं आए? क्या गलत कह रही हूँ दीदी, आना ही था तो कुछ ढंग का ही लेकर आते, वरना ये भी नहीं लाते। अरे चुप कर तू, जब देखो मेरी बेटी आई है बड़बड़ करते जा रही है तू। क्या बात है मम्मी, ये भाभी को हो क्या गया है? भाभी मैं आपकी इकलौती ननद हूँ, त्योहार पे आपसे मिलने आई हूँ, आप खुश नहीं हो? बिना गिफ्ट के क्या त्योहार नहीं मना सकते हम? मैं तो मना सकती हूँ दीदी, और मुझे आपकी फीलिंग्स की कद्र भी है कि आप मुझसे मिलने आए हो, अपनी माँ से मिलने आए हो इस त्योहार पर समय निकाल कर, लेकिन शायद आपकी माँ को बिना गिफ्ट के त्योहार नहीं मनाए जाते। मतलब यही है दीदी, अभी मेरे भैया आए थे थोड़े समय पहले, वो भी मिठाई का डिब्बा लेकर आए थे। आपको पता है मेरे भैया ऐसे तो हर त्योहार पे सब सामान लेकर आते हैं, पर इस बार भैया के हाथ जरा तंग है, उनको बिजनेस में नुकसान हो गया है। मम्मी जी ने उन्हें बहुत कुछ सुनाया, ये लेकर नहीं आए वो लेकर नहीं आए, खाली हाथ आ गए बेटी के घर त्योहार पे, नहीं तो नहीं आते, और इस दुकान से मिठाई लाई है, इस दुकान की मिठाई तो कोई खाता ही नहीं है। और तो और दीदी, मेरे भैया के सामने ही बोलते हैं कि ये मिठाई ना अंदर रख दो, काम वाले को देने के काम आएगा। अब आप ही बताओ दीदी, मेरे भैया को कैसा लगा होगा। मम्मी भाभी ये सब क्या बोल रही हो, आपने सच में ऐसा किया? हाँ दीदी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप पूछ लीजिए अपनी माँ से। बहुत गलत बात है मम्मी, क्या हो गया है आपको? आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आप लालची होती जा रही हो, अरे किस चीज़ की कमी है आपके घर में? अरे कोई भी त्योहार गिफ्टों के लिए नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे से मिलने और प्यार बढ़ाने के लिए होता है। अरे घर आए मेहमान का अगर आप अपमान करोगे तो आपके घर लक्ष्मी कैसे आएंगी? मत भूलो मम्मी कि हम भी एक गरीब परिवार ही हुआ करते थे, आज तो भैया अच्छा कमाने लग गया है इसलिए आपके पास सब कुछ है, और आप मुझे भी भर भर के गिफ्ट देती हो। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब आप शादी के बाद मुझे एक मिठाई का डिब्बा भी नहीं दे पाती थी, और तब अगर मेरी सास भी आप लोगों के साथ ऐसा ही करती तो सोचिए माँ आप पर क्या बीतती और भैया को कितना बुरा लगता। गिफ्ट के लिए, एक जरा से गिफ्ट के लिए अपनों का दिल दुखाना, क्या सही है माँ? तो शायद सही कह रही है बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी इसके भाई से फ़ोन करके माफ़ी मांगती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको सच में अपनी गलती का एहसास है तो हमारे लिए यही बहुत काफ़ी है। बस एक चीज़ आखिरी बार मम्मी जी, आज आपने किया तो किया, लेकिन कभी भी किसी का भी त्यौहार पर अपमान मत कीजिएगा। दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी आज की कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम आप सभी को।